हफ्ता वसूली के नाम पर गुंडागर्दी के शिकार हुए मरहूम मिर्ज़ा ज़मीर बेग को इंसाफ दिलाने के लिए अब कांग्रेस कायदीन ने आवाज़ बुलंद की है। इस सिलसिले में कायदीन ने ज़िला एसपी प्रमोद शिवाले से मुलाकात कर इन्हें ठोस कार्रवाई करते हुए मुजरिमों को सख्त सज़ा दिलाने का मुतालबा किया। नांदेड़ शहर के दुलशाह रहमान नगर के रहने वाले ज़मीर बेग को 100 रुपये हफ्ता न देने पर गुंडों ने बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। बाद में दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। कांग्रेस के वफद ने ज़िला एसपी से मुलाकात करने के बाद मरहूम ज़मीर बेग के घर जाकर इनके अहल खाना से भी मुलाकात की और इन्हें 55,000 रुपये माली मदद की। इस वफद में डिप्टी मेयर मसूद अहमद ख़ान, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, कॉरपोरेटर सैयद शेर अली, फारूक अली ख़ान, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अलीम ख़ान, फारूक हुसैन बदवेल, बाबू ख़ान गुत्तेदार, वाजिद जागीरदार, अब्दुल हबीब बागबान, शोएब हुसैन, अब्दुल फहीम शरीक रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी शादी में उनकी मदद करेंगे हमारे ग्रुप की तरफ से, और उससे बढ़कर यह है कि आज तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा जोर देकर वो आरोपियों को पकड़ा जाए और जो खाती है खाती है उनको सजा दी जाए। अल्लाह के फजल से और हम मदद करेंगे, और जिस तरह से आज हम मदद की है कि हम कोई छोटी सी मदद है, हमारी कोई ताकत नहीं। आज हमारी बहन का विवाह हुई है और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन क्या कर रही है। आज 10 से 15 20 दिन होने के बाद जो हादसा हो गया, 20 दिन हो गया, 6 तारीख के बाद आज 26 तारीख है, आज तक प्रशासन ने उस आरोपी को और अटक नहीं की, तो क्या है? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा वक्त, हमारा जो भी है, हमारा टीम, हम जाइए सभी मिल के और SP से मिलिए, SP से बात करिए, और SP अगर जल्दी एक्शन ले लेता, हमारे नेता अशोक चौहान पालक मंत्री से बात करिए, और जितने भी आरोपी जो भी घटना की है और उनको जल्द से जल्द अटक किया जाए, ऐसी हमारी सभी हमारे कॉरपोरेटर मिलकर करिए। देखिए, जो सानिया हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है, हम उनके दुख में शामिल है, और इस मौके पर हमने जो कुछ भी हमसे बन पड़ा वो मदद की है। इंशाल्लाह आइंदा भी उनके बच्चों की शादियों में वगैरह, जो लड़कियों की शादियाँ हैं उसमें हम उसकी मदद करेंगे, और तमाम कॉरपोरेटर्स और जी एसर हजरात से गुजारिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद करें उनकी। रही बात जो पुलिस कार्रवाई की, उस ताल्लुक से हम पूरे मतलब मुस्लिम कॉरपोरेटर्स मिलकर जाकर वहाँ पे मुतालबा करने वाले हैं कि वो अभी तक जो आरोपी नहीं पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। अगर वो जल्द से जल्द अरेस्ट नहीं होते तो हम अशोक चौहान साहब से भी इस जाकर इस ताल्लुक से मुतालबा करेंगे। शहर के अंदर जो हादसात हो रहे हैं उसको रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन जो नाकाम रह रहा है उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हम अशोक चौहान साहब से भी हम इसके ताल्लुक से मुतालबा करेंगे।